प्रदेश में बढ़ते चिट्टे के प्रचलन को लेकर मल्टीपल नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि चिट्टे के मकड़ जाल में फंसकर भटके युवाओं को आम रास्ते पर लाने का पुण्य काम किया जा सके। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने छांबक बुजार में 1.5 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन की लोकार्पण पश्चात पत्रकारों से कही। प्रदेश में बढ़ते चिट्टे के प्रचलन को लेकर मल्टीपल नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि चिट्टे के मकड़ जाल में फंसकर भटके युवाओं को आम रास्ते पर लाने का पुण्य काम किया जा सके। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने छामंग बुझान में 1.5 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन के लोकार्पण पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर अवगत करवाया है, जिस पर उन्होंने नेशनल कमेटी को केस भेजने के साथ ही प्रदेश सरकार को भी चिट्टे की रोकथाम को लेकर आवश्यक कदम उठाने को कहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि राजनीति से परे होकर मिलजुल कर चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, तभी महामारी बनते जा रहे इस चिट्टे से भविष्य की पीढ़ियों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में ही नजर दौड़ाई जाए तो शिमला में 50 लड़कियां चिट्टे की गिरफ्त में पकड़ी गई हैं, जो कि एक चिंताजनक पहलू है। रविदास जी का जन्मदिन है और आज मुझे खुशी है कि पिछली बार भी मैं यहाँ पे आया था और आज जो पैसा मैंने 1.5 लाख रुपए इस भवन को दिया था वो काम पूरा हो गया और यहाँ के जो हमारे प्रधान है कमेटी के, उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि मेहनत से जो है अच्छा काम यहाँ पे किया है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इस पंचायत से आज के दिन मैंने जो है वो जो हमारे समाज में आज जो चिट्टे का जो कामकाज चला हुआ है, बच्चे उसमें फंस रहे हैं, तो उसमें हमने जो है ये मल्टीपल जो नशा मुक्ति केंद्र है उनकी स्थापना करनी है। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उन्होंने नेशनल लेवल की कमेटी को वो केस भेजा है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी पत्र लिखा है कि इसके ऊपर आगे कदम उठाए जाए, और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। ये हमारा काम कोई राजनीतिक नहीं होगा, सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि सब उसमें इकट्ठा होकर, बच्चा जिसका भी हो वो हमारा हिमाचल का बच्चा है और आज हो रहा है कि बच्चे उसमें ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। अभी 2 महीने का अगर रिकॉर्ड उठा लें तो शिमला में 50 लड़कियां जो है वो चिट्टे की उसमें गिरफ्त में आई हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनके ऊपर केसेस बने हैं। बच्चों के माँ बाप का भी कोई कसूर नहीं है, रिश्तेदारों का भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन बुराई की तरफ को जो है ये छोटी उम्र के जो बच्चे हैं जल्दी जाते हैं, इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर इस बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा है और मैंने जो हमारे यहाँ पे 2-3 बड़े कारखाने हैं सीमेंट के, मैं आने वाले समय में उनके जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात कर रहा हूँ और सबकी मदद लेके सबको उसमें शामिल करके, ये जो हमारा चिट्टा और दूसरी पता नहीं म्याऊ म्याऊ भी चल पड़ा हुआ है, एक चाइना का प्रोडक्ट है, इससे बच्चों को कैसे बचाया जाए, उसमें हमने आज के दिन से यहाँ से मैंने इस काम को शुरू किया है। 12 जिम मैंने हमारे युवक मंडलों को और पंचायतों को मैंने दिए है, ये शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आगे को और वो करेंगे, ताकि ये ना हो कि हम ये कहें कि ये बच्चों को नशा से मुक्ति के लिए हम उनका इलाज करेंगे। इलाज भी एक साधन है, लेकिन इसके अलावा उनको जो है वो योगा के माध्यम से और स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उनको आम रास्ते के ऊपर कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर हमने काम करना है। और आज गुरु महाराज के जन्मदिन के ऊपर आज 643वां जन्मदिन है गुरु रविदास जी का, आज इस दिन के ऊपर से हमने इस काम को जो है वो शुरू किया है और इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। सबसे मेरा निवेदन है कि राजनीति को किनारे छोड़ के सब इकट्ठे होके अपने बच्चों के जीवन की रक्षा करें।